बाबू Recording in progress. ठीक है बाबू, तो सभी लोग को नमस्कार. फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझने के लिए मैथमेटिक्स की जरूरत है. क्योंकि होता क्या है कि 10th तक जो हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं और 11th में 12th में यूज है, वो 10th वाले से थोड़ा हटके हैं. मतलब करने का सेंस यह है कि आप एक रास्ता है, आपको एक नदी मिली है और नदी के आप इस पार हैं और ये नदी है और इस पार आपको जाना है. तो बताएं मिस्टर सुधीर कुमार क्या कर रहे हो? रोहित जी आपका, आदित्य जी, आकाश. मिस्टर रोहित जी बताइए, आपको यहां पर आपको जाना है और आप यहां हैं, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप तैर के जा सकते हैं. बोलो आदित्य जी बताइए, या तो आप तैर के जा सकते हैं. आप भी बताइए आकाश जी, संजीव जी. दूसरा क्या है, आप ढूंढेंगे कि ऐसा कोई पुल बना हुआ हो जिस पुल के सहारे भी हम जा सकते हैं, यानी इसको हम पुल कोर्स कहते हैं. कोर्स यानी इसी का नाम लिखा करा गया ब्रिज कोर्स. क्या नाम दिया गया? यानी इस नदी को पार करने के लिए तुमको क्या क्या चाहिए, तो बनाया गया क्या ब्रिज. 40-40 मिनट का चलेगा, 80 मिनट आप पढ़ सकते हैं आराम से, 2 मिनट बने. तो ब्रिज कोर्स में पहला आता है लिखिए बाइनोमियल थ्योरम. बाइनोमियल थ्योरम हिंदी में इसको हम बोलते हैं द्विपद प्रमेय. क्या बोलते हैं? हिंदी में या इंग्लिश में या दोनों में बच्चे को होना चाहिए. बाइनोमियल थ्योरम इसका यूज बता रहे हैं, मोबाइल के आने के लिए मोबाइल का भी यूज बताएंगे कैसे करके. वंस पहले कौन सा थ्योरम जल्दी बताओ? बाइनोमियल में क्या पूछते हैं? द्विपद प्रमेय है क्या? लिखो 1+a का होल पावर ए. क्या है मतलब? इसमें दो को टर्म है, फर्स्ट टर्म ऑलवेज फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद हमेशा वन और नहीं होगा तो उसको वन कर, नहीं होगा तो वन. बोलो या से आगे प्रथम पद हमेशा क्या होगा? दिमाग को गया. यह जो सेकेंड टर्म है यानी द्वितीय पद वन से छोटा, वन से यानी एक्स का वैल्यू मच 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 लेस देन. क्या बोले? मच 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 यानी रोहित जी वन से छोटा लिखे, अगर 1/8 आदित्य जी लिखे 1/9 और आकाश लिखे 1/10 और संजीव जी लिखे 1/11
और कोई लिखे 1/15 तो मच मच लेस देन क्या है ये वाला यहाँ मच मच है क्या बोले मच 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 लेस देन तो दिक्कत फर्स्ट पद क्या होगा प्रथम पद क्या होगा और द्वितीय पद क्या होगा वन से छोटा नहीं वन से बहुत छोटा वन से तो इसकी फॉर्मूला होती है पहला वन पहला क्या होती है वन अगला टर्म a into x अगला n n minus 1 x square पैटर्न को समझो यही फिजिक्स है पहला n है अगला n minus 1 है यानी पहला टर्म और उसमें से एक घटा है यानी अगला वाला क्या होगा बताओ एन एन माइनस वन एन माइनस टू एक्स स्क्वायर वन इंटू टू इंटू उसके आगे क्या होगा मिस्टर रोहित जी एन एन माइनस वन वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर एक्स के पावर टी बोलो यह बात यहां क्यू हो गया यहां फोर हो गया बोलो अगला क्या होगा बोलो 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 एन एन माइनस वन आवाज में दम होना चाहिए एन माइनस टू x के पावर 5 1 इंटू बोलो 2 इंटू 3 इंटू 4 यस सब लोग समझ गए हैं इसके आगे क्या होगा मिस्टर आकाश कुमार जी एन बोलो एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 एन माइनस 4 बोलो भाई एन माइनस 5 बोलो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 और एक्स के पावर 6 बोलो लेकिन तू कहोगे कि सर लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक की जरूरत पड़ेगा जो वीडियो बाद में भी देखेंगे ये लॉजिक मेन होता है क्या होता है आपने एक्स के बारे में कहा मच मच लेस देन वन बोलो और आपने 1/10 लिखा है जब इस पर एक पावर होगा तो आप 0.1 लिखेंगे बोलो yes, और ये y 1/10 है इसकी पावर 2 करेंगे तो 0.01 लिखेंगे यानी जैसे जैसे पावर बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी मान घटेगा बोलो यानी कह सकते हो एक से जो ज्यादा पावर है उसको हम इग्नोर कर सकते 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 उसको हम हटा सकते बोलो ऐसा यानी ये सब टर्म को अगर हम हटा दे तो बाइनोमियल जो बना वह बना 1+x का होल पावर n इक्वल टू 1 mx इक्वल तो नहीं होगा क्योंकि आपने इसको इग्नोर कर दिया है तो इसमें यह इक्वावैलेंट होगा ये क्या होगा इक्वावैलेंट होगा समतुल्य क्या होगा लगभग क्या में ये आयर तो नहीं है सब लोगों दिमाग में सेट हो गया इसको तुम्हारा वीडियो रहेगा कि लेटेस्ट सुपर डेली वाला आयर
क्लियर है? तो हम चलते हैं अगले पेज में। यानी आप लोग ने सीखा कि वन प्लस एक्स का होल पावर एन वन एन एक्स एन इंटू एन माइनस वन वन इंटू टू एक्स स्क्वायर एन एन माइनस वन एन माइनस टू वन इंटू टू इंटू थ्री एक्स क्यूब सो ऑन सीखा नहीं सीखा यही नोट करना है भाई नोट लिखा है समझ गया ये दिमाग में इससे पहले वीडियो में आपको बता दिया है आज तो मॉल में कौन होता है बोलो यार करने आ गया बोलो यानी यू वन प्लस एक्स का होल पावर एन एप्रोक्सीमेट वैल्यू कौन सा वैल्यू वन प्लस एक्स ये रेक्टेंगल बनाए समझ गए यानी ये फिजिक्स में यूज फिजिक्स में ये पूल काम करेगा क्या काम करेगा अब तुम सोचोगे कि इसका हम प्रयोग कहां कर बोलो 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 तुम्हारे मन में पहला प्रश्न आएगा कि इसका यूज कैसे करें दूसरा प्रश्न ये आएगा कि हम तो सर बाइनोमियल थ्योरम 9th चैप्टर में पढ़े हैं वो तो सर ऐसा है कैसा है इसमें ए के पावर एन है और एन कॉम्बिनेशन वन ए के पावर एन माइनस वन बी के पावर वन यहाँ एन कॉम्बिनेशन टू ए के पावर एन माइनस टू बी के पावर टू है बोलो यहां से अनु आप ये कह रहे बोलो मेरी बात समझने का प्रयास कर रहे हो हैं फिर तूने कह सकता है कि a प्लस बी का यहाँ होल स्क्वायर में हमने तो पढ़ा सर ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बोलो हम कहते हैं कुछ नहीं देखो a कॉमन है ये क्या है कॉमन ले बोलो यहाँ a कॉमन ले लो तो क्या बचेगा वन प्लस बी बाई ए बचेगा बोलो बोलो अब तुम्हारे पास ए स्क्वायर हो गए यहां वन प्लस बी बाई ए के होल स्क्वायर हो गए बोलो भाई ए स्क्वायर तो रहने दो बोलो इसका फॉर्मूला इसके तहत निकालना सिखाए थे मेरी बात समझ लो स्पीड नहीं हो रहा है लोगों को फिर दोबारा भी जो देखेगा उसको समझ में आना चाहिए तो थोड़ा सा देखिएगा हम कभी कभी अनकंट्रोल भी हो जाते हैं वन प्लस हो गए अब चूंकि एन का वैल्यू टू है तो यहाँ टू बी बाई ए होगा अगला क्या होगा टू में से एक और वन इंटू टू अब बी बाई ए का होल स्क्वायर यही ना होगा इस पैटर्न के अनुसार तो फॉर्मूला यही जाएगा बात समझिए देखिए वन प्लस एक्स के होल पावर एन लिखेंगे वन लिखा गया एन एक्स लिखा गया एन के जगह पर टू है तो टू लिख दिए एक्स के जगह पर बी बाई ए लिख दिए अगला फॉर्मूला पढ़े थे एन इंटू एन माइनस वन पढ़ते थे तो यहाँ पर टू में से एक गया तो एक आ गया वन इंटू टू यही ना लिखेंगे अब इसको सॉल्व करिए तो आपको क्या पाइएगा ए वाला सॉल्व किया ए में ए स्क्वायर आया इसको सॉल्व करेंगे तो ए से एक कट जाएगा तो टू ए भी होगा टू से टू कट गया तो ए वाला बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर था तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो बी स्क्वायर हो गया बोलो यस या नहीं आया आया है बोलो तो ये आप जो पढ़े थे वह बाइनोमियल स्टैंडर्ड में अभी जो तुम पढ़ा वह बाइनोमियल स्टैंडर्ड में एक तो चीज तुम लोगों को समझ आ रही है
लेकिन तुम लोग के मन में आ रहा होगा कि आखिर हम इसका यूज करें। तो देखो यहां ध्यान देना मेरे भाई बहनों, यूज नंबर वन, आपको जब फिजिक्स पढ़े सदीस पढ़े है तो उसमें रूट लिया है, और रूट वही एट क्लास से रेटिंग से लिया है। बोलिए यस सर, बोलिए है। तो देखेंगे कि आपका रूट आया होगा जैसे ए स्क्वायर प्लस बी, जैसे आपका प्रश्न आया होगा रूट अंडर थ्री, क्या आया होगा जल्दी बताओ। अभी टेन को तुम थ्री के स्क्वायर प्लस वन लिख सकते हो, बोलो यस या नो है। अब तुम रूट टेन का पहले भाई निकालता था इसको डिवाइड में है थ्री थ्री, बोलो यस या नो, बोलो यार। फिर पॉइंट बैठाता फिर डबल जीरो करता था, यहाँ वन बैठाया बोलो, और यहाँ पर वन डाला बोलो। मेरी बात समझने का प्रयास कर रहे हो, फिर यहाँ सिक्स डाला छे छे छत्तीस छह दुनी बारह पंद्रह और छ छ छत्तीस सही बोलो या सर, और इसको लिखता और ऐसे कैलकुलेटर से पहले करेंगे तभी ग्रीस क्वेश्चन फटा होगा, क्योंकि चाहे वो मेन की बात करो या जेई की बात करो विद्यार्थी फंसते हैं तो ग्रीस क्वेश्चन फंसते हैं। आप फंसते हैं, आप फंसते हैं, इतना बड़ा करके ध्यान रखो। अच्छा चलो इसको ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी के होल पावर हाफ लिख सकते हो, बोलो लिख सकते हो। और चूंकि ये वन नहीं है, वन है तो इसको वन करना पड़ेगा, वन करने के लिए ए स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां वन हो जाएगा और यहां पर ये बी बटे ए और इसका होल पावर हाफ हो जाएगा। मेरी बात सब लोग समझ रहे हो, देखो यहाँ ए स्क्वायर है बी है, ए स्क्वायर को बाहर निकालो तो इसके पास वन बच गया, इसके पास नहीं था तो डिवाइड हो जाएगा। अरे नहीं था ये गुना कर तो डिवाइड हो जाएगा। अब ये वाला इसमें पड़े हो कि ए टू द पावर एम का होल पावर एम ए टू द पावर एम एन पड़े हो, बोलो यहाँ स्क्वायर से हाफ कट जाएगा तो ए बचेगा, बोलो, और वन प्लस बी बाई ए स्क्वायर के पावर हाफ हो जाएंगे, बोलो। ए इस पर पहले पावर किया, बोलो, तो ए स्क्वायर से हाफ कट गया तो ये हो गया, बोलो भाई। अब इसका पावर रह गया, और अभी तुमको हम बाइनोमियल सिखाए थे, क्या सिखाए थे बताओ, इसकी फॉर्मूला लिखना सिखाए हैं कि नहीं, बोलो सिखाए है। क्या हो जाएगा वन का वन हो जाएगा, बोलो भाई, फिर यहाँ हाफ होगा, बोलो, और एक्स की वैल्यू जो लिखा हुआ है वो होगा, मेरी बात समझो है। और एप्रोक्स में तुमको हम बताए हैं कि दो ही टर्म लिखना है, इधर टर्म लिखना है, दो ही टर्म लिखना है। अब देखो इससे ए से ये मल्टीप्लाई हो, ऐसे क्या हो गया ये ए लिखा गया, बोलो यस या नो, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए बार में काट देगा, यानी यह बी बाई टू ए हो गया, बोलो। यानी तुम अब मार्केट को कह सकते हो कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी बाई टू ए होगा, बोलो यस या नो, यस।
समझ में आया? यानी रूट निकालने की फॉर्मूला तुम लोग को आ गया। बोलो कहां से आया, जल्दी बताओ। बाइनोमियल यही प्रश्न हम पूछते हैं फिजिक्स में, कहां से आया, कैसे आया। बोलो ऐसा ना, ये कहां आ गया? तुमको हम चाहते हैं फॉर्मूला डायरेक्ट बता देते कि तुमको कहां से आया है। तो ये हम लोग अब देखो इसका इतनी यूज कर लो तो हरा हरा पेन का यूज करें। आइए हरा पेन का यूज करते हैं। तो यहां पर देखो ये 3 का स्क्वायर + 1 है। बोलो है। अब बताओ मेरे भाई आकाश जी, ए का वैल्यू क्या है? देखने से पता चल रहा ए के जगह पर क्या लिखा हुआ है, बताइए। 3 है, यहां 3 लिख देंगे प्लस। बी के जगह पर क्या लिखा हुआ है, 1 लिख देंगे। बोलो है, 2a कह रहा है तो 6। बोलो भाई डिवाइड करने का भी तरीका से ए करने आ गया। कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, 8-10 प्रश्न मिलेंगे, समझ गए ना, एक तक एप्लीकेशन सिखाएंगे, समझ गए। क्योंकि तुम लोगों को ये चीज जैसे कल तुम लोगों ने बोला, मैंने चीज को समझ रहा, तुम बोला कि सर अंदर से निकलना चाहिए, लिख लेना है। आज से ही तुम्हारा अंतर की आग को मैंने जगाया, ये आ गया करते। अभी देखो तुम लोग डिवाइड इसको जो करते हो वो कैसे करते हो, शुरू पहले बोलोगे कि एलसीएम लेना। बोलो तनी सुन लो, और यहाँ 6 × 3 = 18 + 19 = 22। बोलो और फिर इधर रफ करते हो ऐसे, तो यहाँ पर 6 × 3 = 18 हो गया, बोलो 1 आ गया। और फिर यहाँ पॉइंट बैठाते हो, यहाँ ये आता है 6 × 1 = 6 होता है, यहाँ 4 होता है और 6 × 6 = 36 होता है। बोलो ऐसे करते हो ना, अब ऐसा नहीं करो, अब ऐसा नहीं करो, अब पूछो क्या करोगे, पेन को चेंज करते हैं। तो आप इसको दोबारा तिबारा अगर देखते हो ना तो मैथ्स और फिजिक्स का यहाँ ये आ गया। बोलो यहाँ 3 का 3 लिख दिया, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इंट्रीगल पार्ट है, तो दोनों के बीच में पॉइंट जोड़ता है, वही होता है पॉइंट, हो गया दशमलव, दशमलव डेसिमल, डेसिमल क्लियर है। अब यहां पर ये 0 बैठाया। बोलो यार 6 × 6 दिख रहा है, और यहाँ 6 घटा दिया तो 4 0 आ गया, और 6 × 36। बोलो आया कि नहीं आया, बोलो। तो अब इस पर हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे। जितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जो बाद में जुड़ेंगे, उस सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने सर्वे में लोगों को बताइए, सर्वे ब्रिज कोर्स चालू किया है, फिजिक्स को समझने के लिए ब्रिज कोर्स चालू किया है, इस वीडियो को आप देखें, क्योंकि आपको अंदर से जो आपका आग बुझा हुआ है वह आपको आग जलने लगेगा, जो जलने लगेगा तो सीखने लगेंगे लगेंगे। बोलिए, यानी आप इस वीडियो का अगर पूर्ण रूप से देखते हैं, अब इस पर क्वेश्चन करेंगे। अब आपके पास टारगेट क्या है कि ये फॉर्मेट में लिखना है। बोलो ये कर में आ गया सब लोग, ये वाला ये 2a है भाई, 2a, और ये की वैल्यू क्या है, 3 है। आया, अभी इस पर 2 प्रैक्टिस करेंगे। तो आज जो है फैक्टर क्वेश्चन विंडो का टाइम आता है, और यहाँ पर अब हम क्वेश्चन विंडो में जाते हैं। यानी स्टूडेंट दुनिया की कोई भी म्यूचुअल नंबर का अगर रूट निकालना है, रूट निकालना है, तो यहाँ 2 कंडीशन होंगे। क्या कंडीशन होंगे, तो एक होगा a² + b के फॉर्म में, और दूसरा होगा a² - b। क्योंकि मच लेस देन 1 करना है। बोलो, तो अब पहला प्रश्न तो यहाँ पर ये उठता है
कि एक प्रश्न है रूट अंडर टेन और दूसरा है रूट अंडर, बोलो यस। यह रूट अंडर टेन की अगर हम बात करें तो एक विद्यार्थी लिखा 3 स्क्वायर प्लस 1, बोलो, और एक विद्यार्थी लिखा 4 स्क्वायर माइनस 6, बोलो। और इसकी 15 को अगर हम देखें तो यहां पर ये 4 का स्क्वायर माइनस 1, बोलो यस, और एक विद्यार्थी लिखा 3 के स्क्वायर प्लस, बोलो। अब देखोगे कि नजदीक कौन है, क्या देखोगे यहां पर, देखो एक खेल तुम लोग खेला था पिट्टू, क्या खेला था एक बार आईएएस में एक इंटरव्यू में क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा, आपको कैब में आता है, आपको कैब में ध्यान दीजिएगा, हमारा आपको करने से आपके इंटरव्यू के लिए यार खोजते भी है, डीएम जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां पर ध्यान दीजिए, आपको कैब में आता है, आपको कैब में आपका दोस्त, आपका दोस्त और भाई तालाब में दोनों डूब रहा है और आपको कर नहीं आता है, किसको छोड़ोगे, बताओ मिस्टर संजीव कुमार जी, लवली जी, मिस्टर जी, सृष्टि जी, जो भी सज्जन जुड़े हुए हैं यहां पर, आप जो है रोहित जी, आदित्य जी, आकाश जी, बताइए आपने आप दोस्त को छोड़ेंगे कि भाई को छोड़ेंगे, तैरने आपको आता है भाई को, यानी आप इमोशनल, आप बताइए कि कुछ नहीं है उसे नहीं समझ पाए, वो बड़ा संस्कृत में आ गया कि दोस्त के अगर आता है भाई नहीं होता, आप बताओ दोनों तो नहीं बचा पाओगे, एक ही बचा पाओगे, हाँ जानते हो, यही लोग का सोच गलत है, यहां पर होगा कि जो मेरे से नजदीक होगा उसको छानेंगे, सोचिए सोचिए, आपका भाई यहां डूब रहा है और दोस्त यहां डूब रहा है, आप दोस्त के बचाने के फेर में आपका भाई डूब सकता है, बोलो यस नो, यही काम को उल्टा करो, यही काम को उल्टा करो, बोलो यस नो, यहां पर तुम्हारा दोस्त है, यहां पर तुम्हारा दोस्त है और यहां पर तुम्हारा भाई है, बोलो यस नो, भाई के बचाने में दोस्त हो सकता है, या यहां पर लॉजिक हुआ कि जो सबसे नजदीक रहेगा, सबसे नजदीक रहेगा उसको छानेंगे, सबसे नजदीक रहेगा उसको छानेंगे, यहां पर परिवार की कोई बात नहीं होती है, परिवार की कोई बात नहीं होती है, दोस्त की कोई बात नहीं होती है, जो नजदीक रहेगा उसको करेंगे, जो नजदीक रहेगा उसको करेंगे, देखो ये टेन है, ये टेन है, टेन के पहले स्क्वायर, यहां 9 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, और यहां पर 16 है, जो नजदीक रहेगा उसको अभी देखो, यहां पर तुम्हारा 15 है, यहां 16 है और यहां 9, बोलो यस सर, तुम्हारा प्रश्न आ गया, अगर मेरा दोस्त ये है 9 के नजदीक है, यानी रूट 10 को 3 के स्क्वायर प्लस 1 लिखना सही होगा, ये ग्रीन सिंगल से ये सही है, ये दुश्मन है, दूर है, बोलो यस सर, बोलो ये लॉजिक क्या प्रकार का है सर, लगा तुम लोग को फायदा क्या हुआ, इंडिया का दोस्त है ये सब है, इंडिया में तुमको कोई बता नहीं सकता है, यहाँ पर देखो रूट अंडर 15 को 4 स्क्वायर माइनस 1, ये नजदीक है ना, देखो 15 किसके नजदीक है जल्दी बताओ, 16, यानी ये गलत होगा, बात करने आगे आया, यानी जो हमारे वीडियो देखेंगे एक क्लियर बात है, हम चैलेंज करते हैं क्या आईएएस में इंटरव्यू तक आपको कोई इंटरव्यू
फंसा नहीं सकते क्योंकि आप लोग क्लास लेते लेते ही पूरा इंटरव्यू का क्वेश्चन क्लियर कर देंगे। क्योंकि आपका मेंटल एबिलिटी की बात करेंगे, माथा पति की बात करेंगे, उसको आगे रुपये कुमार सिंह का नाम जरूर आएगा। ये करने आ गया सब लोग को नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया समझ में आया है? जो हमसे नजदीक रहेगा उसको नुकसान नहीं है। तो पता चला भाई के पास आने के फेर में तो डूब गया, अब पहुंचते पहुंचते भाई वहां डूब गया। बोलो यस या नो है? कर दिया नहीं है? नहीं है? सब लोग आ गए? देखो फिर से सुन, यहाँ तुम्हारा दोस्त डूब रहा है, यहाँ भाई डूब रहा है। अगर इमोशनली किया तो तुम तैरते तैरते यहाँ जाओगे, और भाई को बचाने के फेर में दोस्त हो सकता है कि डूब जाए। लेकिन तुम्हारा अगर इसको छानना रहेगा कि कम दूरी पर है तो इसको छान लोगे कि नहीं छान लोगे? बोलो। यहाँ तुमको हम इसलिए बताए कि ये रूट अंडर टेन है। रूट अंडर क्या है? टेन है। टेन नौ के पास है, इसके पास है, तो इसको हम थ्री स्क्वायर प्लस वन लिखेंगे। बोलो लिखेंगे। बोलो। और ये वाला तुम्हारे पास किसके पास है? ये वाला 15 है। अगर कोई विद्यार्थी कहेगा कि 16 माइनस हम 10 करेंगे तो यह दूरी ज्यादा है ना? बोलो। इसको फिजिक्स में 10th में मैग्नेट पढ़ना है। मैग्नेट सुनो, यहां पर आयरन लगा और सेम मैग्नेट पावर का, बताओ लोहा किधर से कटेगा? इधर से, जो नजदीक है आगे करने, इसी को बोला जाता है मच मच मेथड। करने आगे चले हैं जो पास रहेगा इसके लिए। हाँ, यह बात करने आ गया सब लोगों। अब तुम्हारे मन में आएगा, यहां ध्यान दो, ये करने आ गया सब लोगों। देखिए पहचानेंगे कैसे, यह बात को समझिए। पहले तो ये लिखिए कि ए स्क्वायर प्लस बी टू, ए प्लस बी बाई टू लिख सकते हैं, और ए वाला रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी। तो ए माइनस वन और टू ए माइनस बी बाई टू लिख सकते हैं। अब बात ये होगा, यह दोनों में यह कब इसको लेना है कब इसको लेना है? बोलो यस सर। तो आप बताओ कि यहाँ रूट अंडर ए टेन है, तो यहाँ तीन के स्क्वायर प्लस वन है। बोलो है? बोलो। और एक विद्यार्थी लिखा फोर के स्क्वायर माइनस वन है, तो ए वाला के अनुसार हो जाएगा तीन प्लस एक बटे छ। अब यहां पर बताओ भाई, ये अब वन है, ये सिक्स है, ये वन है। बोलो आपको सर क्या बोलते, कम से कम बोलो। यह वाला नहीं ना लिखा जाएगा? अब इसको हम लोग हल कर दिए तो थ्री पॉइंट डिवीजन तो अभी सिखा दिए थे। बोलो बोलिए। यहाँ सिक्स वन जा सिक्स और छ छ छत्तीस, यही अगर यहाँ रूट अंडर 15 है रूट अंडर, तो एक विद्यार्थी लिखा थ्री का स्क्वायर प्लस सिक्स और एक लिखा फोर के स्क्वायर माइनस वन। बोलो। तो यह वाला नहीं लिखा जाएगा? ज्यादा ना हो गया बाबू? नोमरिक वैल्यू देखो कि कौन ज्यादा है कौन कम है, यह बात होगा ना? बोलो भाई, आ रहा हमें बात में नहीं आ रहा? आ रहा है। अब तुम्हारे पास क्या होगा कि ए वाला लिखा गया और ए वाला के लिए तुम प्रूव किया है ए माइनस वन, ए माइनस यहाँ फोर है ना, फोर में से एक गया तो कितना बचा जल्दी बताओ? प्लस टू ए कह रहा है तो फोर टू जा एट हो गया, और एट में से वन से यहाँ सेवन बचा। बोलो। यहाँ टू ए कह रहा है तो एट हो गया,
बोलो अब यहाँ थ्री हो गया आई वन, बोलो यस या नो, यहाँ जीरो बिठाओगे, बोलो आठी आठी चौसठ, यहाँ 64 हो गया, यहाँ 6 आ गया, 8 सते 56, बस हम लोग के दो अंतर की करते हैं, बोलो यस या नो, अंतर में आ गया नहीं आया, नहीं आया, आया। अब मेरे बात बताओ मेरे दोस्त, ये रूट अंडर 50 रहेगा, बोलो, तो एक विद्यार्थी लिखा 7 का स्क्वायर प्लस 1, बोलो यस या नो, और एक विद्यार्थी इसको लिखा 8 के स्क्वायर माइनस 14, बोलो नजदीक कौन है, ऊपर वाला, ये नहीं होगा, और इसके लिए तुम्हें आ गया इस 7 का 7 हो गया, बोलो यार, और यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ 14 हो गया, बोलो, तो यहाँ 7 हो गया, यहाँ पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, बोलो, है? तो 0 बार में लगेगा, अभी 0 हो जाएगा, 7 बार में लगेगा, अगर कैलकुलेटर है तो खोल के देख लो, तुमको ये बात पहला समझ में आ गया कि नहीं आया। अब इस पर जो है अगर आप चाहेंगे तो दो चार प्रश्न हम दे देते हैं, समझ गए, एक बार आपका हो जाएगा, और सबसे बेहतरीन आपका क्या होगा कि एक बार इसको यूट्यूब पर हमारा ये ब्रिज कोर्स आपको आएगा, उसको एक बार देख भी लेंगे तो आपके दिमाग में और फिट हो जाएगा, बोलो यस या नो। अब इस पर क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ऐप पर भी रहेगा, क्रिएटर सुपरफूड चैनल पर भी रहेगा, जितना वीडियो जितना लोग हमारे वीडियो देखेंगे तो हम ये चैलेंज करते हैं कि आईएएस का इंटरव्यू में दुनिया का सबसे टफेस्ट इंटरव्यू होता है आईएएस का, उस इंटरव्यू में आप लोग को फंसा नहीं सकते, कोई फंसा नहीं सकता, बोल फंसाएगा। अभी ये प्रश्न को आप घर में जाकर किसी से पूछिए, अपने दोस्तों लोग को पूछिए, बोले कोई बोलेगा दोस्त को छाने के लिए, बोलेगा भाई को छाने, बोलो यस या नो। लेकिन यहाँ पर ये लॉजिक भी बता दिए, तो अब कुछ क्वेश्चन है तुम लोग को हम देते हैं, हाय 14 ऊपर से नीचे तो पांच है इसको हाय, देखिए यहाँ ये 7 का 7 हो गया, यस सर, ये 1 का 1 लिखे थे, 2a लिखे थे तो 14 हो गया, इस फॉर्मूला से आया करने। चलिए अब हम क्वेश्चन कुछ करते हैं, लिखिए क्वेश्चन, 2 मिनट का मौला देखेंगे देंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी साथ में होगा, तब मजा आ जाएगा, मजा तो आप ला ही देंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये हमारी बिल्कुल चैलेंज है, मजा तो हम ला देंगे। आइए देखते हैं रूट अंडर 15 को, और यहां रूट 17 को, इसी ढंग से तीसरा क्वेश्चन रूट अंडर 24, चौथा क्वेश्चन रूट अंडर 26, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं रूट अंडर 35 को, छठा क्वेश्चन देखते हैं रूट अंडर 37। ये 6 प्रश्न और